भाई लोगों, बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बॉलीवुड की तरफ से, जो सीधा हॉलीवुड की तरफ डायरेक्ट कर रही है। यानी अपनी लेजेंडरी बॉलीवुड एक्ट्रेस तबू ज्वाइन करने वाली है हॉलीवुड की ड्यून मूवी को। वही ड्यून मूवी जिसके फर्स्ट पार्ट को ऑस्कर मिला था, और वही ड्यून मूवी जिसके भी सिक्वल को बहुत ज्यादा प्यार मिल रखा है, बहुत ज्यादा इसने कमाई कर रखी है और अच्छा खासा एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है डिस्टोपियन एरा की मूवीज को लेकर, जो बाय गॉड इसको मैच कर पाना बहुत ही कठिन रह जाएगा। मूवी आने वाली है, इसका थर्ड पार्ट नॉट सिक्वल, प्रीक्वल, यानी 10,000 साल पहले की वो कहानी दिखाएंगे पॉल के, जो अभी पॉल एट्राडियस है, यानी अपनी जो कहानी यहाँ पर चल रही है दो हाउस के बीच में लड़ाई, जहाँ पर जो अपना राजा है वो बहुत सातीर है, क्या करा उसने, दो ऐसे जागीरदार परिवारों को, जो ऐसे नामी जानी परिवारों को आपस में लड़ा दिया ताकि उसकी सत्ता बरकरार बनी रहे, पॉल के परिवार को यानी एट्राडियस के, एंड जो दूसरा परिवार है हारकोनन, ये दोनों परिवार आपस में यहाँ पर लड़ रहे हैं। यानी इस प्रीक्वल यानी इस थर्ड पार्ट में दिखाया ये जाएगा पॉल एट्राडियस के मरने के 10,000 साल पहले की कहानी को दिखाया जाएगा, जहां पर हारकोनन दो सिस्टर्स होने वाली हैं जिनके बीच में गुत्थम गुत्था चलेगी, या उनके बीच की कंट्रोवर्सी, या फिर उनके बीच का रिलेशन जो भी वो सेट होगा वो दिखाया जाएगा। और वो चीज यहाँ पर थ्रेट ये करी जाएगी जो वहां पर एक बार के लिए प्रोफेसी हुई थी कि ये जो आपस में लड़ाइयां होगी या जो भी कॉन्ट्रोवर्सी चलेगी वो आगे जाके ह्यूमन काइंड पर, यानी आगे जाके इंसानियत पर बहुत भारी पड़ने वाला है, जिसकी खामियाजा आगे ह्यूमन काइंड को भुगतना पड़ेगा, यानी इंसानियत को भुगतना पड़ेगा। और वो ड्यून फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हमने देख लिया किस हिसाब के यहाँ पर ह्यूमन लाइफ हो चुकी है, किस हिसाब से वो लोग यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं, तो भाई साहब इसके लिए वेट है। बाकी तबू को हम जानते हैं, तबू एक ऐसी लेजेंडरी एक्ट्रेस है जो अपने काम के लिए हमेशा सीरियस रहती है, और उनकी एक्टिंग की तो क्या ही बात है। बाकी भाई ड्यून मूवी में इनके रोल के लिए भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आप लोग हो कितने जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। बाकी आपने ड्यून फर्स्ट एंड ड्यून सेकंड ये मूवी दोनों देख ली है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। डिस्टोपियन एरा की कौन सी दमदार मूवी आपको ये लगी है, और डिस्टोपियन एरा की अगर बात चली रही है तो अपने बॉलीवुड से यानी नहीं इंडियन सिनेमा से कल की 2898 प्रभास की मूवी आने वाली है, और सिमिलैरिटीज ड्यून एंड कल की 2898 में क्या है, डिस्टोपियन एरा, लेकिन एक और सिमिलरिटी क्या है, जो DNEG VFX कंपनी है वो ड्यून मूवी के लिए काम कर रहा था, वही VFX कंपनी कल की 2898 मूवी के लिए काम करने वाली है। तो जब VFX के लिए ऑस्कर वो ड्यून फास्ट वहां से ला सकती है, तो भाई साहब अपने इंडियन मूवी ये जो कल की 2898 आने वाली है इसमें जो VFX का पार्ट होगा वो कितना दमदार होने वाला है भाई, इसके लिए लिटरली वेट है, क्योंकि हिस्ट्री यहाँ पर लिखी जाने वाली है। इंडियन सिनेमा भी डिस्टोपियन एरा पे ऐसी मूवी ला सकते हैं वो कल की 2898 प्रूव करने वाली है। तो कितना वेट है कितना नहीं बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे ही, और यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही, जय हिंद।